हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है बैंगन का भरता बनाना। तो आइए स्टार्ट करते हैं बैंगन का भरता। बैंगन का भरता बनाने के लिए ये हमने बैंगन लिए हैं, ये हमने 500 ग्राम बैंगन लिए हैं और ये हमें इस प्रकार के बैंगन चाहिए थे और ये हमने धो लिए हैं और इनका पानी भी पोंछ लिया है। अब मैं सबसे पहले बैंगन पे थोड़ा सा सरसों का ऑयल लगाऊंगी। हाथ की मदद से मैं इस पे ऑयल लगाऊंगी इस प्रकार से और इन बैंगन को दोनों को भून लूंगी अच्छे से। ये हमारे बैंगन पे ऑयल लग चुका है और इधर मैंने गैस को ऑन कर दिया है और एक बैंगन को मैं इस गैस पे भूनने दूंगी। अब बैंगन मैं इधर वाली गैस पे भून लूंगी। जब तक हमारे ये बैंगन भूनते हैं मसाले चेक कर लेते हैं। ये कुछ मसाले लिए हैं, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्ची पाउडर आधा चम्मच, धनिया पाउडर एक चम्मच और आधा चम्मच हमने गरम मसाला लिया है और ये एक कटोरी हमने छोटी मटर लिए हैं। ये अदरक और लहसुन, इसको हमने अदरक और लहसुन और हरी मिर्च को चॉप कर लिया है। ये हमने लहसुन की 4-5 कलियाँ और अदरक का एक टुकड़ा और 4 हरी मिर्च चॉप की है और ये हमने धनिया लिया है खूब सारा। ये हमने 4 बड़े टमाटर लिए हैं, इनको बारीक कट कर लिया है। 4 ही हमने बड़े प्याज लिए हैं, इनको भी बारीक कट कर लिया है। अब मैं बैंगन की साइड चेंज कर दूंगी। प्रकार से मैं अपने बैंगन से भून लूंगी दोनों बैंगन को। ये हमारे बैंगन भुन चुके हैं, अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूंगी। मैं इस वाले बैंगन को भी प्लेट में निकाल लूंगी और बैंगन को मैं ठंडा होने दूंगी और जब तक हमारे ये बैंगन ठंडे होते हैं तब तक मैं मसाले की तैयारी कर लेती हूँ। एक कढ़ाई ली है और मैंने गैस को ऑन कर दिया है। अब मैं कढ़ाई में ऑयल डालूंगी। ऑयल हमारा गरम हो चुका है, अब मैं इसमें ये जीरा डाल दूंगी। आधा चम्मच मैंने इसमें जीरा डाला है। हमारा चटक चुका है, अब मैं इसमें हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का ये मसाला डाल दूंगी और इसे मैं भून लूंगी मसाले को। हमारा अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट भून चुका है, अब मैं इसमें ये प्याज डाल दूंगी। और प्याज को मैं भूनने दूंगी। जब तक हमारे ये प्याज भूनते हैं तब तक मैं बैंगन को छील लेती हूँ। अब मैं इन बैंगन को छीलूंगी क्योंकि ये हमारे बैंगन ठंडे हो चुके हैं। ये अच्छे से भूनकर तैयार हो गए हैं हमारे बैंगन। इसमें अपने दोनों बैंगन को छील लूंगी। ये हमारे दोनों बैंगन छिल चुके हैं, अब मैं इन दोनों बैंगन को पानी से धो लेती हूँ। ये हमारे बैंगन धुल के साफ हो चुके हैं, अब मैं इनको कट कर लूंगी बैंगन की डंडियों को और इसे मैं इस प्रकार से चेक कर लूंगी बैंगन को। ये हमारे दोनों बैंगन अच्छे से साफ हैं, अब मैं इन्हें मैस की मदद से मैस कर लूंगी इस प्रकार से। हमारे बैंगन मैस हो चुके हैं। इधर हमारे प्याज भी भून चुके हैं, मैं इसमें ये टमाटर डाल दूंगी और इसे मैं अच्छे से भून लूंगी टमाटर को भी। इसमें ये मसाले भी ऐड कर दूंगी। मैंने इसमें हल्दी का प्रयोग नहीं किया है, हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। और साथ ही मैं इसमें मटर डाल दूंगी, इन्हें भी मैं टमाटर के साथ ही भून लूंगी मटर को। अब मैं इस मसाले को 4 से 5 मिनट तक भूनने दूंगी, उसके बाद मैं इसमें बैंगन। ये मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है, मैं बैंगन ऐड कर दूंगी। और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये हमारे बैंगन मसाले में अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं, अब मैं इसे 10 से 15 मिनट तक स्लो गैस पे ढककर पकने दूंगी इसे मैं।
तो आइए चेक करते हैं बैंगन के भरते को। ये हमारा भरता अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है। खूब सारा धनिया ऐड कर दूंगी और इसे मिक्स कर लूंगी मैं। इसमें हमारा धनिया अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी और एक बाउल में मैं बैंगन का भरते को सर्व कर लूंगी। ये हमारा बैंगन का भरता बनकर तैयार हो चुका है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।